तंदूर पे रोटियां लगाने वाले मासूम बच्चे को दिन दहाड़े सरेआम कत्ल कर दिया गया। कत्ल क्यों और किसने किया जानी है इस वीडियो में। उस सामने बोतल फड़िया उन्होंने उत्थे भन्निया ने उन्हें चिर जिसे बोतल भन्निया ना अभी भज गए उन्हें चिर उन्हें जाकर उन्होंने बोतल मार दी सीधी उन्होंने दिल दे वजी है। जिसने उस पर हमला किया वो आइस का नशा करता तीनों ही करते हैं। नाज़रीन इस टाइम पे मौजूद हूँ एक ऐसी होटल पे जहाँ पे एक मामूली झगड़ा हुआ और एक बेगुनाह की जान ले गया जो अपने घर का वाहिद कफील था। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि जिसकी जान गई है वो कैसा शख्स था और वो कितनी देर से इनके साथ काम कर रहा था। होटल के मालिक मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम जी। बेटा जी बताइएगा कि जो बच्चा यहाँ पे काम कर रहा था कितनी देर से काम करता है। मेरे को मेरा ख्याल कम से कम कोई 10-12 साल 13 साल चले ने मेरे को काम करते हैं जी। छोटा बच्चा सी हूँ भी उम्र 18-19 साल से बेचारे की बहुत नाइस बंद इतों जिस मर्जी आते जाते रस्ते पुछ लो जड़े लोग जा रहे हैं कैसा सी हर बंदा उन्होंने रो रहा जी। ऐसा बंदा भला मन से बहुत नाइस से उसका भरा का व्डे का झगड़ा होया जी वो परे स्टेशन से होया उन्होंने आन के किसी ने दसिया रोटियां ला रहा इतने उन्होंने दसिया वो गया भज के उ जाके अपने भरा गुस्से होया भरा नशे नशू करता वो भी जो जिन्हें मार रहे वो भी नशे ही ने उन्हें अपने भाई लिया के बजारे वाड़ता सू अपने घर में भेजता वो आप आ बेचारा रोटियां ला रहा अंदर मेरे को गाहक बैठे ने खाना चल रहा है रोटी ला रहा बेचारा जिस तरह मुंडा रोटी ला रहा जिस तरह रोटी लाने दिया वो मुंडे भजे ने तिने ही उतो सामने बोतल फड़िया उन्होंने उत्थे भन्निया ने उन्हें चिर जिसे बोतल भन्निया ना अभी भज गए उन्हें चिर उन्हें जाकर उन्होंने बोतल मार दी सीधी उन्होंने दिल दे वजी है एक ने मारी बाजू से वो उत्थे ही डिग पिया जी। असी भज गए उन्होंने फड़िया सिर्फ फड़िया इस वास्ते भी शायद मुंडा बच गया साडा तो असी इन्होंने वैसे फड़िया पिछड़ाने वास्ते वो 2 मिनट मुंडा इतने आकर डिग पिया उन्हें नाल ही दम देते हैं फिर असी उन्होंने मुंडा तिना नहीं छड़िया जी तिना मुंडा ने छड़िया एक मुंडा जरा मेन सी ना जिन्हों हैदर कहते हैं वो अंदर नहीं सी आ रहा अही अंदर वाड़ने पर उन्होंने अंदर नहीं आ रहा इतने मैं सालन बना रहा हाँ जी उन्होंने फिर जिसमें मैं उत्ते सुटिया सालन बनता उन्होंने ऐ पिया जिसम के उत्ते भज के आप ही अंदर बढ़ गया उन्होंने अंदर डकता है उधरों पुलिस को सद लिया जी असी मुंडे थाने उत्थे लै गए हॉस्पिटल इतने बेचारे दम हो गए सन इन्ना सिस्टम हो सिर्फ 3 मिनटों का काम हो जी सारा 3 मिनटों के बताएं कि अल्लाह दिता जैसे आप कह रहे कि आलमोस्ट 12 साल हो गए आपके पास काम कर रहा था कैसा बच्चा था। मैं कह रहा बेटे मैनू ना पुछो इतने किसी आंढ़ गुआंढ को पुछो कैसा बच्चा सी बेचारा लोग रोंदे ने उन्होंने जे मैं किसी ने कहा ना रोटी दे दे उन्हें कहा मैं गर्म देनी है मैं रोटी मैं ऐसा बच्चा सी इन्ने लोग खलोते ने सारे मेरे आंढ़ गुआंढ इन्होंने पुछो एक आवाज़ दे के तुहानू सारे एक जानते कहणगे पर बहुत नाइस आदमी से पूरे घर के फर्ज जिन्हें भी ने सारे गलत होणगे वो मुंडा नाइस नाइस शरीफ आदमी सी। वालदा का कहना था कि घर का वाहिद कफील वो है वाहिद कफील था बहुत ही उनके घर के हालात भी बहुत बहुत खराब बहुत ज्यादा जुल्म हुआ उसके साथ उसके वालदा के साथ हुआ उसके नाल जुल्म हुआ उस बच्चे नाल इन्होंने बिला मकसद किया फिर वेखो एक होर गल तिने नहीं जानते जिसे लिया ना मेरा एक होर मजदूर उत्थे काम करता है पेड़े करता है पिया वो जिहड़ा बट बट मुंडा ना जी उन्होंने पुछया जिन्हें मारिया किड़ा ही उन्हें क्या है वो भज गए उन्होंने लगा ही मारो मुंडा इतने खड़ा छोटा जिहा वो फिर उन्होंने बटने कहा भी नहीं आओ वे उन्हें जाने सीधी उन्होंने बोतल मारती है जी उतों निकले ने इतने आए ने इतों बोतल फट के मारती ने कोई भी ज्यादा लेना देना नहीं है कोई गलबात नहीं है जी। बजे की ये बात है ये 11:30 12:30 का टाइम था जी चिट्टे दिन एक किसकी दुनिया इससे इकट्ठी हुई थी इस तरह हाँ जी। आपने उस दिन क्या देखा था कैसे अल्लाह दिता को उन्होंने बेदर्दी के साथ कत्ल किया क्या हुआ था उस दिन। मेरी साथ दुकान है UPS वाली मैं ठीक आ रहा था सामने शीशे नज़र आ रहा है वो आए हैं लड़के इधर से उन्हें इस तरह हाथ हाथ से बोतल कोई चीज़ फड़ी बोतल ही फड़ी सी तोड़ पिछों कितों लैके आए आँदे उन्होंने टारगेट बनाया सीधा इस तरह मारी सू तो वो भी अगों लड़न पिंड तो वो बेचारा उत्थे डिग पिया तो फौत हो गया दम तोड़ गया उत्थे ही फौत हो गया देख ये बताएं कि जो अल्लाह दिता है कैसा लड़का बहुत अच्छा बहुत अच्छा किसी के साथ कोई लड़ाई ना कोई नहीं कोई लड़ाई नहीं। जिन्होंने आके एकदम से उस पर हमला किया है उनकी क्या उम्र थी। तकरीबन 20-22 साल दे लड़के ही थे। हाँ जी लड़के जैसे कि अंकल आप बता रहे हैं कि जिसने उनके ऊपर हमला किया वो आइस का नशा करता है तीनों ही करते हैं चारों ही करते हैं जो में कैसा किरदार है उनका जिन्होंने मारा है। बेटा ही उनका बहुत बहुत लोक किरदार है पूरा मोहल्ला ही वो बताएगा उनके मतलब जैसा उनका किरदार है उनको क्रैशी कौम है मरासी उनके पास पैसे बाहर के आ गए हैं उनके 2 भाई बाहर हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मोहल्ले में भी अपना क्रेडिट बहुत लूज किया हुआ है
बदमाशी फैला। हाँ जी हाँ जी, छोटे बड़े की तमीज ना ही है जी, बेशक बेशक जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਲੋ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਈਏ ਇਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਜਾਣਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਪੇ ਇਨਹੋਨੇ ਕਿਆ ਦੇਖਾ ਜਬ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਥੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਮੁਸਤਫਾ ਫਾਲ ਮੁਝੇ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਦੇਖਾ ਆਪਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਮੈਨੇ ਆਤੀ ਦੇਖਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਪੜਾ ਹੋਆ ਥਾ ਔਰ ਜੋ ਲੜਕਾ ਥਾ ਤੰਦੂਰ ਪੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਗਾਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੜਕਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਖੂਬ यही खुद कफील था जो रोटी रोजी कमाता है, बाकी जो भाई वगैरह को बारा ये वो इस तरह के लोग हैं। लेकिन ये बच्चे को ना मैंने देखा यहाँ पे ना वो तड़प तर यहाँ पे जो चोट लगी हुई थी दिल के पास, उनको बोतल वगैरह इन्होंने मारी है। बोतल मतलब उसके जिस्म के अंदर खूब चुकी? हाँ, वो खून निकल रहा था और यहाँ पे वो आखिरी सांसें ले रहा था। कोशिश नहीं की कि उसको एम्बुलेंस में लेके? कोशिश की लेकिन उतनी देर में वो दम तोड़ चुका था। और इन्होंने जो मुजरम थे वो यंग लड़के जिन्होंने ये किया वो इन्होंने होटल वालों ने फौरी तौर को उनको पकड़ के अंदर फौरी तौर पे उनको अरेस्ट कर लिया और पुलिस को 15 पे कॉल भी की है। पुलिस उसी टाइम आ गई है, उन्होंने अरेस्ट किया है और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई उन्होंने सबको पूछा है और उन्होंने यही गवाही दी है कि ये लड़कों ने ये काम किया है। ये बताएं कि कुछ कहना चाहते हैं स्पेशली जो इस तरह दंदन आते फिर रहे हैं, इस तरह माओं से उनके लाल छीन रहे हैं, उनको क्या क्या सजा देनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए इस बच्चे के साथ, बुरा बुरा इंसाफ होना चाहिए। मैंने में आया है कि बच्चे की वालदा तो दूर के पास आके बैठी रहती है, रोती रहती है कि मेरा बेटा यहाँ पे बैठ के यहाँ पे रोटी लगाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है बेचारे। हाँ जी, इंसाफ के लिए वो दरवाजे खड़का रही है। और दूसरा ये मैं कहूँगा ये जो यहाँ पे मकामी जो पुलिस है उनके लिए कि ये राउंड किया करें, गश्त किया करें बाज़ार में, को वारा को ऐसे लड़के या स्टूडेंट देखते हैं या नशे की हालत में उनको फौरी रेस्ट किया जाए और इस ये कानूनी कार्रवाई करें जो इनका हक बनता है, ताकि आइंदा कोई भी रोटी लगाने वाला या मासूम है वो अपनी जान से हाथ ना धो बैठे।